Dear students, good morning. I am Sandeep Kaur from GMS Didarpura. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 8th की ज्योग्राफी. 8th की ज्योग्राफी में लेसन नंबर 5. तो टॉपिक है इंडस्ट्रीज. तो इसमें हमने आधा पढ़ा है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह से पेपर तैयार किया जाता है, उसको मतलब कि किस तरह से कितने प्रोसीजर के बाद उसको तैयार किया जाता है. पहले क्या करते हैं, उस पेपर को किस तरह से फैक्ट्रीज में लिया जाता है ट्री को काट के, और उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर के बाद इसको तैयार किया जाता है. उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप. तो रॉ मटेरियल हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ना साइज. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे साइज से. तो साइज में हमने आधा पढ़ा है बच्चों. साइज में हमने पढ़ा है कि साइज जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि इसमें देखना है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल हो गया पैसा, कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितने पीपल्स इसमें मतलब एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की वॉल्यूम क्या होती है, मतलब हम कितना मुनाफा कमाते हैं. तो साइज में दो किस्म की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिशन. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं ये हाथ से बनाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, कैपिटल यूज्ड इज लेस, यानी कि इसमें पैसा कम लगता है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज लेस, और इसमें मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता है क्योंकि हम घर में बैठ के ये काम करते हैं. आउटपुट इज लेस, लार्ज टेक्नोलॉजी इज यूज, लेसर टेक्नोलॉजी इज यूज. इसमें टेक्नोलॉजी का काम भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम घर में बैठ के क्या क्या बनाते हैं बच्चों, जैसे कि बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. और बास्केट वीविंग, पोट्री एक्स्ट्रा. फिर उसके बाद है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, और इसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं. तो इसमें क्या है बच्चों, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, उसमें मतलब कि कम पैसा, कम मेहनत, कम पैसा लगता है, उसमें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती है. लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है. उसके बाद है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स, कैपिटल यूज्ड इज हाई. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्ट्स किसमें बनाए जाते हैं, मशीन्स में, इसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, कैपिटल यूज्ड इज हाई, नंबर ऑफ पीपल इज एम्प्लॉयड विल बी मोर, और इसमें जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत ही तादाद में, ज्यादा तादाद में होते हैं. आउटपुट इज मोर, इसका जो आउटपुट होता है वो भी ज्यादा होता है. सुपीरियर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. और इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है, जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ऑनरशिप. इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओनर्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, सच एज हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. वर्कर्स आर बोथ नॉन मिलिंग यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर्स.
तो हम अब क्या पढ़ते हैं, ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप की कितने में ये होते हैं, ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये चार हिस्सों में बांटी गई हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कॉपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर जो है वो मतलब कि अपनी इंडस्ट्री होती है, वो इंडिविजुअल खुद उस इंडस्ट्री को चलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल विप्रो, रिलायंस, ये इनकी अपनी इंडस्ट्रीज है, ये खुद इनके मालिक है, इसमें गवर्नमेंट या किसी और का कोई हाथ नहीं है। तो फिर उसके बाद है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक सेक्टर है, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट। तो ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ये कौन, इसका मालिक कौन होता है, ये कौन चलाता है, गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी मिसाल है। फिर उसके बाद है जॉइंट सेक्टर और अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो कौन ऑपरेट करता है, स्टेट भी और मतलब कि एक इंडिविजुअल भी या और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी इसमें इसको चला सकते हैं, इस इंडस्ट्री को चला सकते हैं। इसमें मतलब जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट का भी हाथ होता है और इंडिविजुअल्स का भी हाथ होता है। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद चौथी जो है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोसीजर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ नॉन मिल्क यूनियन लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोसीजर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ। ये जो आप कोऑपरेटिव सेक्टर है ये कौन ऑपरेट करता है इसको, या प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वर्कर्स और जो वर्कर काम करते हैं, या बोथ या दोनों इस कोऑपरेटिव सेक्टर को चलाते हैं। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो हम अमूल का दूध पीते हैं बच्चों, जो वो अमूल का पैकेट आता है उसका फुल फॉर्म है क्या, ऐसे तो हम उसको अमूल बोलते हैं लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी और सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। तो ये किसकी मिसालें थी, इसकी कोऑपरेटिव सेक्टर्स की। तो ऑनरशिप पे कितनी इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड हुई हैं, चार, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में भी हमने, प्राइवेट सेक्टर में हो गया जो इंडिविजुअल खुद काम करता है जिसकी अपनी इंडस्ट्री हो, और पब्लिक सेक्टर में हो गया, पब्लिक हो गया जो स्टेट ओन इंडस्ट्रीज ओन बाय स्टेट और गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की होती है। तो उसके बाद है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है कि उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होता है और एन इंडिविजुअल्स का भी हाथ हो, ऑफ एन इंडिविजुअल्स का भी हाथ होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का भी हाथ होता है। फिर उसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, इसमें इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ, इस कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन ओन करता है, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वर्कर्स भी होते हैं और बोथ और दोनों भी होते हैं, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, अमूल एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।